15 साल की उम्र में सीता बनी थी। हिंदी टेलीविजन के इतिहास में जब भी किसी खास टीवी सीरीज की बात की जाती है तो रामानंद सागर की रामायण का नाम उस लिस्ट में सबसे पहले आता है। 1987 में टीवी पर प्रसारित होने वाले रामानंद सागर के शो रामायण में उस दौरान हर एक किरदार हिट रहा। इस शो के कई कलाकार आज भी टेलीविजन की दुनिया में किसी न किसी सीरियल में नजर आ जाते हैं, लेकिन एक चेहरा है जिसे रामायण के बाद से लेकर आज तक टीवी स्क्रीन पर नहीं देखा गया, वह है रामानंद सागर के शो की सीता। जी हाँ, इस शो में सीता का किरदार निभाने वाली दीपिका चिखलिया को रामायण के बाद दोबारा टेलीविजन में एक्टिंग करते हुए नहीं दिखी। हालांकि उन्हें इस दौरान कई फिल्मों में काम करते देखा गया, लेकिन रामायण के बाद वह छोटे पर्दे पर दोबारा कहीं नजर नहीं आई। जब दीपिका ने रामायण में एंट्री ली थी उस वक्त वे महज 15 साल की थी। सीरियल में दर्शक उनकी एक्टिंग से प्रभावित थे। वहीं शो के दौरान वह जब भी कहीं जाती सब उन्हें सीता कहकर ही पुकारते। उन्हें माता जानकी कहकर बुलाया जाता और सम्मान दिया जाता। लोग तो उनके चरण तक स्पर्श करने लगे थे। दीपिका ने इस दौरान इतनी अच्छी एक्टिंग की कि दर्शक उनके किरदार को ही असल समझने लगे थे। आज भी उनकी सीता वाली इमेज लोगों के मन में बसी हुई है। दीपिका को एक्टिंग का बहुत शौक था। इस दौरान उन्हें सीरियल रामायण में काम करने का ऑफर मिला। इसी के साथ ही उन्होंने इस शो को करने के लिए हामी भर दी। इस शो के दौरान उन्हें अपने किरदार से कोई उम्मीद नहीं थी, वे बस अपना काम मन लगाकर कर रही थी। वह नहीं जानती थी कि उनका यह किरदार उन्हें फेमस करने वाला है। जैसे ही शो का अंत हुआ, दीपिका भी टीवी की दुनिया से कहीं गायब हो गईं। आज लोगों के मन में दीपिका को लेकर जिज्ञासा है कि वे इस वक्त कहाँ हैं। रामायण के बाद वह दोबारा एक्टिंग करते नजर नहीं आईं। रामानंद सागर के सीरियल की सीता आज कैसी दिखती है, हर कोई जानना चाहता है। दरअसल दीपिका ने कॉस्मेटिक कंपनी के मालिक हेमंत टोपीवाला से शादी कर ली। इसके बाद अपने घर परिवार और बच्चों की देखरेख में उन्होंने खुद को बिजी कर लिया। वहीं दीपिका अपने पति के साथ कंपनी को संभालने की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। वह इस कंपनी में रिसर्चर मार्केटिंग टीम की हेड के रूप में काम करती हैं। साथ ही वह अपने बच्चों की देखरेख भी करती हैं। दीपिका की दो बेटियां हैं। एक्टिंग को लेकर दीपिका को कई ऑफर आए, लेकिन उन्होंने अब एक्टिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। वह अब अपनी बेटियों और घर परिवार में ही ध्यान देना चाहती हैं।